इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टिकटॉक का पुराना अकाउंट कैसे वापस लाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिकटॉक का पुराना अकाउंट वापस लाने के लिए सबसे पहले आपको टिकटॉक ऐप को ओपन करना होगा। तो चलिए हम टिकटॉक ऐप को ओपन करते हैं। टिकटॉक ऐप ओपन करते वक्त आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में एक पर्सन का आइकन दिया गया है, उसके नीचे मी लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना पुराना अकाउंट लॉगिन करने के बदले, वापस लाने के बदले, यहाँ पर वो लोग इसी किन्हीं ऑप्शन में से एक पे क्लिक करके अपना टिकटॉक का नया अकाउंट बना लेते हैं, जिससे उनका टिकटॉक का पुराना अकाउंट नहीं मिल पाता है। तो लोग सोचते हैं कि मेरा टिकटॉक का अकाउंट, पहला वाला अकाउंट डिलीट हो गया, वीडियो डिलीट हो गया। तो आपको बता दें कि आपका टिकटॉक का पुराना अकाउंट नहीं डिलीट होता है, नहीं वीडियो डिलीट होता है, आपका पूरा चीज़ सुरक्षित रहता है। तो टिकटॉक का पुराना अकाउंट वापस लाने के लिए नीचे में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपना टिकटॉक का पहले का अकाउंट किस चीज़ से बनाए थे। अगर आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से बनाए थे तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर फेसबुक के अकाउंट से बनाए थे तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप इंस्टाग्राम के अकाउंट से बनाए थे तो इस पर क्लिक करना होगा। और इसमें कई सारी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जिस चीज़ से बनाए होंगे उस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको यह भी पता नहीं है कि हम अपना टिकटॉक का पुराना अकाउंट किस चीज़ से बनाए हैं, तो सिंपल आपको सभी पर बारी बारी से क्लिक करके आपको आपका पुराना अकाउंट खोजना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम खोज के बताते हैं कि हम अपना टिकटॉक का पुराना अकाउंट जिसमें वीडियो था वह किस चीज़ से बनाए थे। तो चलिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो कंटिन्यू विथ फेसबुक से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर चलिए फेसबुक पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, क्योंकि मेरा पहले से मोबाइल में फेसबुक का आईडी लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर लॉगिन होने में दिक्कत नहीं होगा, और नहीं पासपोर्ट, नहीं ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कुछ नहीं मांगेगा। तो आपको बता दें कि आपको अपना एक मोबाइल में पहले से टिकटॉक का, आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी लोडिंग ले रहा है, तब तक हम वेट करते हैं, आपको भी वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब फिर से अब टिकटॉक वीडियो चलने लगा है। तो यहाँ पर एक पर्सन का आइकॉन दिया गया है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक टिकटॉक का अकाउंट लॉगिन हो गया है, लेकिन इसमें मेरा एक भी वीडियो नहीं है, क्योंकि यह मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट वो वाला नहीं है यह। तो इससे को हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं, फिर से हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ से इसको लॉग आउट करने के लिए ऊपर के थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे एक लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से लॉग आउट पे क्लिक करना है, और यहाँ से यह अकाउंट लॉग आउट होने लगेगा, तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका टिकटॉक का अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉग आउट हो गया है। उसके बाद फिर से ट्राई करने के लिए यहाँ पर एक पर्सन का आइकॉन दिया गया है, उसके नीचे मी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से साइनअप पर क्लिक करना है, और साइनअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से आपको नीचे में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करने के लिए, यहाँ पर टिकटॉक का अकाउंट खोजने के लिए इन सारी ऑप्शन में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले फेसबुक के ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद चलिए यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर यूज फोन और ईमेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप ईमेल आईडी से यहाँ पर पुराना अकाउंट खोजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेना है, और फ़ोन नंबर से खोजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलो फिलहाल हम अपना फ़ोन नंबर से अपना टिकटॉक का पुराना अकाउंट खोजने वाले हैं। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर फिलअप करते हैं, और यहाँ पर फिलअप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर फ़ोन नंबर में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप फ़ोन नंबर में मिस्टेक कर देंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं मिल पाएगा। तो फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड कोड पे क्लिक कर लेना है, और सेंड कोड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका पुराना वाला अकाउंट जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक कोड जाएगा, तो उस कोड को यहाँ पर डालना होगा। अगर वह सिम इस मोबाइल में लगाए होंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, अगर दूसरे मोबाइल में लगा होगा तो उस पर कोड जाएगा, तो उसको डालना होगा। तो यहाँ पर हम दूसरे मोबाइल में लगाए हुए हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पर कोड डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोड डालने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी वेरीफाई हो रहा है, तब तक वेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई होने के बाद आपका फिर से टिकटॉक वीडियो चलने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टिकटॉक वीडियो चलने लगा है। उसके बाद चेक करने के लिए यहाँ पर जो पर्सन का आइकॉन दिया गया है उसके नीचे में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा टिकटॉक का पुराना अकाउंट वापस आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम वीडियो और इसमें जो भी फॉलोअर्स सभी चले आए हैं। तो इस तरह से आप भी अपना टिकटॉक का पुराना अकाउंट वापस ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो अपना वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।